तो ये तो रही पाकिस्तान को अमेरिका की चेतावनी की बात, जिसके बाद से पाकिस्तान जबरदस्त टेंशन में है, मातम पसरा है वहां पर। अब आपको अहमदाबाद लेकर चलती हूं, जहां पर जश्न है क्योंकि दुनिया की दो महाशक्ति 24 फरवरी को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम से ही पूरी दुनिया को एक नया संदेश देने वाली है और इसके लिए तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही है। गरबा जो कि गुजरात की खास पहचान है और गरबे की इसी पहचान को ट्रंप भी अपने अहमदाबाद दौरे के दौरान देखने वाले हैं। जो टीम मोटेरा में गरबे का प्रदर्शन करेगी उन्हीं से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी अमित प्रकाश ने। अहमदाबाद 2 days to go, दो दिन बाकी हैं और अब परफॉर्मेंस जो फाइनल रिहर्सल है वो लगातार हो रही है और इस वक्त हम आपको लेके आए हैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक स्कूल में। दुधेश्वर में एक स्कूल है जहां के कुछ बच्चे उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने परफॉर्म कर रहे होंगे उस स्टेडियम के भीतर। उनसे पूछते हैं उत्सुकता कितनी है और जीवन में ये हमेशा याद रहेगा, ये परफॉर्मेंस हमेशा याद रहेगी क्योंकि दुनिया की दो महाशक्तियों के सामने परफॉर्म करना अनुभव क्या है। टीचर्स हैं और जैसा मैंने कहा फाइनल रिहर्सल चल रही है अभी, तो एक एक करके जरा पूछते हैं कि सबसे पहले उनका अनुभव क्या है इसको लेकर। मैम एक बार अपना नाम बता दें। मेरा नाम अंजलि गौर है और मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। अंजलि जी ये लाइफ टाइम परफॉर्मेंस होगी जी, क्योंकि जीवन में बच्चों को शायद ये जितने मौके मिलेंगे एक बड़ा मौका ये भी है जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं के सामने वो परफॉर्म करेंगे। आप जब इनको तैयार कर रही हैं अनुभव कैसा है? वही सारे हैं, दो दिन बचे हैं अब। वही एक्साइटेड इतनी ज्यादा है क्योंकि जब से हमने जाना है कि हमको परफॉर्म करने जाना है तभी से सभी मेरी लड़कियां और हम दोनों टीचर इतने एक्साइटेड है कि हमारे वड़ाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो इंडिया आने वाले हैं हमारे गुजरात में अहमदाबाद में, तो उनके स्वागत के लिए जो करना पड़े हम कर सकते। किस तरह की परफॉर्मेंस है और आप लोगों को कितना टाइम मिला है वहाँ परफॉर्म करने का? टाइम तो क्या है कि सर हमको ऑफिस से जो सूचना मिली तो 3 दिन से ज्यादा तो हुआ नहीं, 3 दिन से प्रैक्टिस चल रही है हमारी। तो वहाँ स्टेज पे कितना टाइम मिला है परफॉर्म करने के लिए? 7 मिनट्स। 7 मिनट्स का परफॉर्मेंस। तो उस परफॉर्मेंस में क्या क्या है? रिमिक्स गरबा है हमारा, 4 गरबा का रिमिक्स किया हुआ है। ओके, इससे पहले आपके बच्चे तो रिहर्सल करते रहते थे होंगे अलग अलग प्रोग्राम्स में, इतना बड़ा फंक्शन कोई अटेंड किया आपके बच्चों ने? हम लोग हर साल कांकरिया लेक पे परफॉर्म करने जाते ही है। कांकरिया कार्निवल होता है 25 दिसंबर से 31 तक। लेकिन ये बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, ये नेशनली नहीं इंटरनेशनल इवेंट है। इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट में परफॉर्म करने का पहला अनुभव। हमारे को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये गरबा खेलने का आयोजन किया गया। हम बहुत एक्साइटेड है ये गरबा करने के लिए। क्या पिछले जब से आपको पता चला कि आप उस स्टेडियम के भीतर जब परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपके देश के प्रधानमंत्री और यूएस के प्रेसिडेंट दोनों लोग मौजूद होंगे, तो इसके लिए तैयारियों को लेकर थोड़ा नर्वस भी होता है कि इतने बड़े डिग्निटरीज हैं उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं? हम बहुत एक्साइटेड है ये करने के लिए। नर्वस नहीं है। क्या क्या परफॉर्म कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, कितने दिन से रिहर्सल चल रही है और वहाँ क्या करोगे स्टेज पे? हम वहाँ पे गरबा करेंगे, पिछले 3 दिन से हम ये गरबा खेलने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने बहुत मेहनत किया है इस गरबा खेलने के लिए। हमको बहुत उत्सुकता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप और हमारे वड़ा प्रधान मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं और वहाँ जाकर गरबा खेल लेंगे उनके सामने। सबसे आखिर में एक सवाल आपसे, कैसा लगता है ये जान के जब यूएस का प्रेसिडेंट देश के जिस हिस्से में आ रहा है उसको अहमदाबाद कहते हैं, इतना बड़ा देश है हमारा, लेकिन अहमदाबाद आना अहमदाबाद के लोगों के लिए, पूरे देश के लिए गर्व का विषय है लेकिन अहमदाबाद के लिए ज्यादा बड़े गर्व का विषय है। कैसा लगता है जब लगता है कि हमारे शहर यूएस प्रेसिडेंट आ रहे हैं? हमको बहुत अच्छा लगता है कि आ रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सामने परफॉर्म करते समय थोड़ा ऐसा नहीं लगेगा, थोड़ा नर्वस हो जाएंगे ऐसा कुछ फीलिंग? कुछ नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। और कुछ बोलेंगे?